मम्मी बेड़े दूर दूर घूमो जाओ, घर में पैसे की पेड़ लगता है, घूम घूम के फिर जाओ। जल्दी सुनो। हाँ देखो यहाँ पर राधा रानी ना, ये कुंडल में राधा रानी स्नान करने के लिए आया करती थी। जो आती थी एक पत्थर है, ये पत्थर के ऊपर में अपना मुकुट को ये पत्थर के ऊपर रख करके राधा रानी इसमें कुंड में नहाना करती थी। जब स्नान करती थी, चूंकि ये पत्थर के ऊपर मुकुट रख करके स्नान करती थी, देखो ये पत्थर के ऊपर में ये निशान स्वाभाविक रूप में ये पत्थर के ऊपर में ये मुकुट, इसलिए इसका नाम कहते मुकुट शिला कहते हैं। ये जो शिला ये कुंड को अंदर में था, जब एक संत थे मधुसूदन दास बाबाजी महाराज, जब यहाँ पर उन्होंने भजन करते थे, जब उन्होंने ये कुंड में डुबकी लगाई ना, वो अपने आप ये शिला अपने उनके हाथ में आया। जब ये हाथ में आया, देखा ये शिला हाथ में क्यों आया, देखा ये शिला के ऊपर में एक सुंदर मुकुट का चिन्ह है। तो राधा रानी ने स्वप्न दिया में, जब यहाँ आती थी स्नान करने के लिए, ये कुंड में नहाया करती थी, इसको ऊपर में अपना मुकुट को रख करके मैं स्नान करती थी, इसलिए ये शिला के ऊपर में ये नेचुरल रूप में ये मुकुट का चिन्ह आ गया, इसलिए इस शिला का नाम है मुकुट शिला। शिला इसका नाम। बोलो श्री गुरुदेव जी की जय।